लोहड़ी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर करसोग वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये त्यौहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। धन्यवाद। लोहड़ी मकर संक्रांति की समस्त करसोग वासियों को वन मंडल करसोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। लोहड़ी तथा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर करसोग वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। धन्यवाद। चहल चौक वन विभाग विश्राम गृह के पास बन रहे खेल मैदान को लेकर कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ा संज्ञान लिया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पेड़ों की बलि देकर मैदान को बनाया जा रहा है। इस पर स्थानीय प्रधान ने बताया कि चहल चौक क्षेत्र का एक ऐसा शमशान घाट है जहां पर करीब एक दर्जन पंचायतें यहां मृतकों का अंतिम संस्कार करती हैं। कुछ लोग जो पेड़ों की कटिंग को लेकर कार्य को रुकवा रहे हैं, यहां पर पहले से ही शमशान घाट में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों को इसे जंगल से लाते हैं, जिस कारण इस मैदान के इर्द गिर्द खाली जगह होने से यहाँ पर कटिंग की गई है और मैदान को बड़ा आकार दिया जा रहा था। आज क्षेत्र की लगभग दर्जनों पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों, वार्ड सदस्यों और स्थानीय जनता ने नए बन रहे खेल मैदान में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। नमस्कार, मैं यहाँ का स्थायी निवासी अभिषेक जम्वाल। यहाँ पर पहले दो मैदान हुआ करते थे और झाड़ियाँ हुआ करती थी। पहले हम यहाँ पर इंडियन आर्मी की रनिंग की तैयारी करते थे और हमारे खेलने के लिए यहाँ पर एक मैदान था। और जैसे कि आज मैं यहाँ पर दौड़ के भर्ती हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों के लिए भी ये मैदान बहुत अच्छा है दौड़ने के लिए, और यहाँ पर मेरे भाई भी दौड़ के भर्ती हों, क्योंकि अगर ये मैदान बंद हुआ तो हमें सड़क पर दौड़ना पड़ता है और जिससे कि हमें बहुत खतरा होता है दौड़ने के लिए। और जैसे कि ये ग्राउंड बन रहा था तो इधर प्रशासन वालों ने ये तारे और पेड़ लगा दिए हैं, तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस तारे और पेड़ को निकाल दिया जाए जिससे कि हमें दौड़ने के लिए अच्छा होगा। और मेरे भाई भी जहाँ पर आज मैं हूँ, मेरे भाई भी आज उसी पोजीशन पे हो। मेरा ग्राम पंचायत प्रधान इंदिरा देवी, ये जो इधर हमारा मुख्यमंत्री लोक भवन का काम जो हमारी पंचायत इसको करवा रही है, इसमें जो है हमारी पौने दो बीघे जमीन की जो है एफआईआर हुई है, और यहाँ ऊपर भी ग्राउंड था, नीचे भी ग्राउंड था, और यहाँ पर झाड़ियाँ थी बहुत। इसको लेकर के जो है बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, जो यहाँ शिकायत की है कि यहाँ से रेता बजरा कुछ नहीं ले गए हैं, यहाँ यहीं पर जो है यहाँ रखा हुआ है। तो हमारी तो यही है कि इधर बच्चे जो है खेलने के लिए आते, टहलने के लिए आते थे, तो ये सार्वजनिक कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो खेलने के लिए आते, तो हम तो रोज़ यहाँ जो मेरा जो काम लगा हुआ है इस काम को देखने के लिए भी आती हूँ। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही था कुछ जो हमारे यहाँ जो डेथें हुई बहुत, क्योंकि ये 7-8 पंचायतों का जो शमशान घाट है, तो 7-8 पंचायतों का शमशान घाट को लेकर के जो यहाँ थोड़े बहुत जो है वो कटाई हुई है, तो ये तो नीचे ले गए हैं, तो इसमें मुझे कोई गैरकानूनी नहीं लगता है। गौर से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रमेश शर्मा की रिपोर्ट। राकेश ठाकुर एमसीसी करसोग की ओर से लोहड़ी मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर करसोग क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। राजेश ठाकुर एक लास्ट ठेकेदार की ओर से लोहड़ी मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर करसोग क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। नमस्कार, मैं नरेश भारद्वाज, लोक गायक, सांस्कृतिक जिला संयोजक सुंदरनगर। मेरा सभी करसोग वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए ये जो त्योहार है बहुत खुशियां लाए, क्योंकि ये कोविड का समय है। सभी ध्यान दें, मास्क का पूरा प्रयोग करें, और करसोगवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, लोहड़ी मकर संक्रांति त्यौहार के शुभ अवसर पर करसोग क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आए। धन्यवाद।